अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। और आज 14 अगस्त आप लोग सब लोगों को मेरी तरफ से जश्न आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। और आज अभी हम जो गांव के जितने भी दोस्त हैं मेरे, उनके साथ मैं आया हूँ गुजरांवाला। और आज सोचा कि लाहौर नहीं, गुजरांवाला जाके थोड़ा सा सेलिब्रेट करते हैं जश्न आज़ादी को, थोड़ा सा इन्जॉय करते हैं। पीछे आप लोग देख सकते होंगे वो सारे हैं, मैं थोड़ा सा साइड पर आ गया हूँ, इतनी तंग बहुत करते हैं, इतनी आवाज़ें आती हैं, पीछे म्यूज़िक वगैरह लगा लेते हैं। सो इस वजह से मैंने सोचा आप लोगों से थोड़ी सी गपशप कर लें कि मैं इस टाइम कहाँ और क्या प्लान है आज का। जो भी प्लान होगा आप लोगों से शेयर किया जाएगा, प्रॉपर वीडियो बनेगी इसकी, और जो भी जश्न आज़ादी के इवेंट्स वगैरह होते हैं उसी हिसाब से आप लोगों से। अभी हम एक टाउन में खड़े हैं यहाँ पे, लेकिन अभी हम मे भी यहाँ से सीधा जाएँ सिटी हाउसिंग जो स्कीम है यहाँ पर गुजरांवाला में, वहाँ पर जाएँ और वहाँ पे जितने भी जो भी जश्न आज़ादी के हवाले से जो भी प्रोग्राम होगा वहाँ उसको अटेंड किया जाएगा। और उसके बाद फिर जो है ना हम शाम को घरों के चले जाएंगे। तो आज की ये रूटीन और ये गेटअप है मेरा जनाब, और 14 अगस्त के हवाले से बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ये कि थोड़ा सा चेंज किया और अभी उधर जा रहा हूँ मैं फ्रेंड्स की तरफ। तो तब तक मौसी भाई क्या कर रहे हैं आप? भाई मैं इधर इनको सीधा पधरा कर रहे हैं, चलो करें करें, क्योंकि एक अहम है भाई आप माफी नहीं कर सकते, अच्छा चले सीधे हो जाएं भाई, सीधे हो जाएं, सीधे हो जाएं। नहीं नहीं आपने तस्वीर बनानी है। अच्छा अच्छा भाई भाई आप आप थोड़ा वो खबा पाऊँ आगे करें ये फ्रेंड तस्वीर बन रही है आप देखें जरा। अली भाई आप जो है ना दो में लता के काट लो। अच्छा आपका पोज ठीक है बिल्कुल, आपका भाई आपका भी एग्जैक्टली कंफर्म पोज है, लेकिन आपकी जूती कहाँ है? चले बना ले आप तस्वीर, लेकिन अच्छा चलो आपने बनानी है। अच्छा मैंने बनानी है इस तरह, किस तरफ से बनानी है मुझे ये भी याद नहीं। और साला कसम से 10-10 रुपए पाए जी तुमने, देखो भाई जान ये देख सकते हो कितनी माशाल्लाह कितनी प्यारी है, बहुत अच्छी बनी है, बहुत अच्छी बनी है। कम से कम चलो 5-5 ही दे दे, यार कम से कम कुछ तो होना चाहिए भाजी भाजी। तस्वीर सेव करने रखे है ये भाई, सेव कितों होनी है? हम इस टाइम यहाँ आए हैं चौकी पार्क, और चौकी कह रहा हूँ वो सही नाम था, और इसका नाम इसके इस पार्क का नाम क्या है इसका यार नाम? सिटी। ओ सिटी 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 क्या यहाँ ये देखो माशाल्लाह अच्छा माहौल इन्होंने बनाया, अल्लाह पाक इनको तंदुरुस्ती दे। भाजी ये इतने भाजी चलो एक कमी है भाजी, गर्मी लगी ऐसी लगना चाहिए भाजी, इतने साढ़े डीजे बंद करे बंद भाजी, तो अड़िया खा दे सामने गड़िया जा रही हैं।
आ रही है आपकी आंखों के सामने, क्योंकि इधर गर्मी बहुत है लेकिन आदमी बामी है साथ कुड़वात कुड़वा बै ओए बोझी सिर्फ पार्टी सिर्फ पार्टी से पता बोझी देख कोई कारतूस भी होता है भाई हमने गया ना के हूं ना ये तू देखा है की कर रही है की है भाई ये भाई बस बस ये ए ये भाई तो रखा सामने एंड कर के एंड कर के मेरी जाति जो गड्डी लटकी पाई मेरी अखा ने अच्छा भाई जी अभी खोस तो है सारे मैं सीरियस हो गए मुंह दे पा लगा हेलो भाई भाई तो यहां सामने पाया भी भाई जी ये जो गाल के जरे मार लेकिन गर्मी बहुत है फिर भी वो क्या कहते हैं इंग्लिश में इंग्लिश में बात हो रही है डिस्कस डिस्कस तो गला पता चलो भाई ओही अच्छा भाजी मेरी गल है ऐसा मैं सीरियस हां एग्जैक्टली कंफर्म है पहले नहीं सी सीरियस क्योंकि भाजी रे मुंडे का नाम है साकब अच्छा इसका नाम है चोंगरो रोकड़ा योग भाजी असी बाहर भाजी थोड़ा सामने आओ अच्छा ए भाई जान ये आपने वाला कहां से लिया है कहां से लिया मुझे खुद नहीं मालूम भाई जी हमने लिया था का मतलब भाई तुसी आए कि तुझे हाँ जी फलक भाई कैसा लग रहा है आज सिटी टाउन आके सजाद भाई बहुत अच्छा लग रहा है अच्छा आपकी वजह से मैं आया हूँ जी जी ज्यादा लेकिन अभी मैंने यहाँ से मुंह धोया अच्छा और प्यास लगी पानी की पी जी तो मैं सोचा जरा पानी पी लेंगे ना होके 14 अगस्त की खुशी में हम जी 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 बहुत अच्छा लग रहा है वैसे यहाँ पे आके अच्छा चलो काफी एंजॉय कर रहे हैं लगता है आपको बड़ी फैमिलीज आई हुई हैं जी जी क्योंकि पहले था कोरोना जी मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि पहले था कोरोना जी जी वैसे भी सारे पार्क वगैरह बंद थे उस वजह से कोई आउटिंग वगैरह नहीं हो रही जी अभी ये है कि काफी बेहतर है कि हालात सारे ठीक हो गए हैं जी और काफी लोग अब है भी आजादी और लोगों को भी वैसे आजादी मिल रही है लग रहा है और वाकई ये पहलवानों का शहर है पता चला यहाँ आके कि वाकई पहलवानों का शहर बड़े लोग निकले हैं बाहर और इतना शोर है इतना तो मैंने लाहौर में भी नहीं देखा पहले यहाँ शेखपुर अमरीक इतना शोर नहीं देखा मैंने जी जी और ये है कि वाकई में आपने कहा था कि बहुत अच्छा लगेगा तो वाकई अच्छा लगा हाँ मैंने आपको कहा था कि आप एक बार बात चले था कि मैं अगर मुझे पता होता तो इससे बेहतर प्लान बन सकता था ज्यादा दोस्त आते जी टिकट लेके अंदर आए हैं लेकिन बाहर ज्यादा शुगर लग रहा है हाँ और आप अंदर ना लेकिन अंदर से बाहर जाए पहले आपने बताया था कि यहाँ पे कॉन्सर्ट वगैरह हाँ होते हो ना इसलिए और नहीं रहे क्योंकि कोरोना की वजह से हाँ न्यू अभी हाँ पहले बुकिंग होती है लेकिन अगर जी जी तो फिर ज्यादा हाँ इसलिए नहीं होते और ये यहाँ पे खाने पीने का भी बड़ा अच्छा हाँ क्यों नहीं सब कुछ अच्छा बन ओवरऑल जो 14 अगस्त है ना वो मेरी बेहतरीन गुजारी है बहुत अच्छा लगा यहाँ पे जी जी और आजाद बोला कि ये जी हमारा पाकिस्तान आजाद है बिल्कुल हम आजाद हैं ये जो मेरा नहीं ख्याल कि इतनी एंजॉयमेंट बाहर कहीं होती होगी यहाँ पे हर क्रूज तोड़ा जा रहा है आज उतारे हुए हैं हर चीज मतलब ये बैठने के लिए जगह आप बैठ सकते हैं जी जी बैठे आप अगर आपका प्रोग्राम है बैठने का तो बैठना तो नहीं बैठ जाए रोशनी इतनी ज्यादा नहीं है क्यों कोई मसला नहीं है बैठ सकते हैं और ये है कि सियाद भाई मैंने एक चीज देखी है जी जितना लोग डरते हैं ना फैमिली को बाहर लेके आने में ओवरऑल यहाँ पे पुरसकून है जो भी जितने भी लोग हैं ना यहाँ पे वो इज्जत कर रहे हैं सबकी ना इतना ज्यादा हल्ला गुल्ला नहीं है जी जी इसकी वजह से जो फैमिली वगैरह यहाँ पे वो तंग हो जी इस तरह का कोई सीन नहीं यहाँ पे मौसम भी कदरे बेहतर है काफी अच्छा का टाइम हो गया तो अभी जी जी
अभी इस वजह से भी थोड़ा सा सुकून है। हाँ। और आज का भी लोग यहाँ पे करते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि आप इस तरह के कोई इवेंट्स की जो ना कवरेज करूँ जी जी, ताकि आप लोगों को भी थोड़ा सा, जो भी लोग घरों में बैठे हुए हैं, जो फैमिलीज घरों में बैठी हुई हैं जी, उनके लिए थोड़ा सा ये बना रहा हूँ कि वो एंजॉय करें। जो लोग नहीं आ सकते बाहर, कुछ लोगों को ये होता है कि यहाँ पे कुछ जो है ना लड़के यहाँ होता है ऐसा करते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है। और ये वीडियोस भी उन लोगों के लिए, और जो गुजरांवाला से है उनके लिए स्पेशल कि आपके सिटी में आए हुए हैं और आप लोगों ने ज्यादा वीडियो देखनी है और शेयर करनी है अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। क्यों नहीं, और बस आप ज्यादा बातें, मैं तो बोलता 15-20 मिनट बोल सकता हूँ, क्योंकि ऐसा ही करता हूँ मैं लाइव में अक्सर, इस तरह बोल सकता हूँ मैं, लेकिन ये कि अब आपको कुछ सीन दिखाते हैं फिर इतना ही बोल सकते हैं हम। और ये जी कुछ लोग देख रहे हैं जी और खुश हो रहे हैं, यही खुशियाँ होती हैं और यही आज़ादी है। और थैंक यू सो मच कायद आजम आपका, और आपने जिन्होंने भी जितनी भी कुर्बानी थी उनका सबका थैंक यू कि आप लोगों की वजह से हम आज़ाद मुल्क में बैठे हुए हैं। थैंक यू सो मच सबका। पाकिस्तान जिंदाबाद। और अभी कुछ पता नहीं यहाँ पे क्या होना है क्या नहीं होना, लेकिन मैं तो पहली दफ़ा इनके साथ आया हूँ और बड़ा इंजॉय कर रहे हैं लोग, स्पेशली जो बॉयज़ हैं वो बड़ा चिल कर रहे हैं बाइक के, जो ना उन्होंने सिलेंसर वगैरह उतारे हुए हैं। और इसके अलावा ये है कि कोरोना की वजह से, कोरोना के बाद, ईद के बाद जो है ना पहला इवेंट है पाकिस्तान में जब हर बंदे को आज़ादी है, और ये इवेंट भी आज़ादी वाला दिन है, तो इतना ज़्यादा रश है कि सड़कों पे, जो पार्क्स वगैरह हैं इधर गली मोहल्लों में, हर जगह रश ही रश है। तो आप इसे देख सकते होंगे, लोगों का इतना शोर है, जो बाजे वगैरह वो बजाए जा रहे हैं और काफ़ी लोग इंजॉय कर रहे हैं। और अब असल में जो अभी लोगों को आज़ादी मिली है ना, वो ये वाली आज़ादी है जिस वजह से लोग इतना खुश हैं। और अभी जो भी रूटीन होगी, जो भी कुछ यहाँ पे करेंगे आप लोगों से, मैं शेयर करूँगा। और ये है आज का व्लॉग, आज का जो व्लॉग है वो आज़ादी के नाम है। और माशाल्लाह इतना अच्छा लगता है जब बंदा किसी आज़ाद मुल्क की फ़ज़ा में ऐसे घूम रहा हो और जो मर्ज़ी करो, सिलेंसर निकालो या जो भी करो, एक तरह का जश्न होता है, लोग इंजॉय कर रहे होते हैं। और ये है जी हमारा पाकिस्तान, बहुत अच्छा, कोरोना फ्री हो गया माशाल्लाह से, और फैमिलीज इंजॉय कर रही हैं, बच्चे खेल रहे हैं, ये इसी वजह से कि कोरोना ख़त्म हो चुका, तो आज़ादी का दिन है और आज हर बंदे को खुली छुट्टी है, कोई जितना इंजॉय करना चाहे कर सकता है। सो ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, आप लोगों को थोड़े से यहाँ के सीन दिखाते हैं और क्या हल्ला गुल्ला लोग कर रहे हैं। पीछे झूले हैं बड़े, और झूलों में जो है ना आवाम जो बैठी हुई है और शोर शराबे खुले हो रहे हैं, और मैं बोल के ही आप लोगों को बताऊंगा। बाकी जो जितने भी मैं यहाँ पे क्लिप्स बनाऊंगा उनमें म्यूज़िक है, जो नगमे वगैरह उनका म्यूज़िक है, तो मे भी मैं खुद का जो म्यूज़िक ऐड करूँ या वॉइस ओवर वगैरह लगाऊँ। सो अभी तक मुझे फिर इजाज़त, फिर मिलते हैं बाद में। फ्रेंड जो पार्क के अंदर ट्रेन है ना आज, तो वो भी चल पड़ी है, इसमें भी कोई बंदिश नहीं है कोरोना की। ये देखें बच्चे और बड़े भी तकरीबन फैमिली स्पेशली यहाँ पर बैठी हुई हैं, और मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे व्लॉगिंग करते हुए, व्लॉग बनाते हुए, और इतनी ज़्यादा आवाम। एक दफ़ा मैं तो पहली दफ़ा आया हूँ, फ़र्स्ट टाइम मेरा ये एक्सपीरियंस है गुजरांवाला सिटी में। और बड़ा दोस्त जो है ना गांव के इकरार कर रहे थे कि भाई जान आपने जाना, मैंने कहा यार नहीं मैं नहीं जाऊँगा, और आप लोग चले जाएँ तो मैं आप लोगों के साथ, पहले तो कभी गया नहीं तो मुझे क्या पता। कहते नहीं जी बड़ा चिल होता है वहाँ पर, बड़ा मज़ा आता है, और ये आप लोगों के सामने ही है जो चिल हो रहा है यहाँ पे। आज़ादी, जश्न आज़ादी जो है ना, ये इस तरह मनाई जा रही है पाकिस्तान में, गुजरांवाला सिटी में। और जितने भी गुजरांवाला के मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जितने भी मेरे गुजरांवाला के जो है ना दोस्त हैं, उनसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा अपनी फ्रेंड्स फैमिली, जितनी भी आप लोगों की लिस्ट है, जितना भी आप लोगों का सर्कल है, उसमें प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा। आप लोगों के सिटी में आए हैं आज, और इसलिए यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मैं चाह रहा हूँ कि व्लॉगिंग करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊँ, जितनी भी लेंथी हो जाए, लेकिन ये है कि ये जो त्यौहार है इसको जो है ना अच्छे तरीके से हम सेलिब्रेट करें, और आप लोगों के साथ जो यहाँ से सिटीज से हैं या जो भी दूसरे एरिया से हैं उनके लिए स्पेशली। ये देखें फ्रेंड्स बच्चों का हाल देखें, और क्योंकि जब कोरोना था तो तब ये पार्क वगैरह भी बंद थे ना, तो इस वजह से ये तकरीबन अब जाके लोगों को यहाँ पे खुली छुट्टी मिली है कि बच्चे जो है ना इंजॉय कर सकें, सेलिब्रेट कर सकें। काफ़ी बड़ा पार्क है फ्रेंड्स, और मैं सोच रहा हूँ कि इसको सारे को कवर करूँ इस वीडियो में, जितना मैक्सिमम हो सके मैं इस वीडियो में सारी चीज़ें जो है ना कवर करूँ और इन चीज़ों को दिखाऊँ। ये भी झूला है, और ये अच्छा तो लेकिन माशाल्लाह अच्छा, पिछले साल वाली जो अपनी बात है वो बताएं जरा। हाँ, पिछले, हाँ, सॉरी सॉरी, मैं वो बात बताना भूल गया। अच्छा,
जो भी था ठीक है बात बताए। यहाँ मोटी सी तार पड़ी थी। अच्छा अभी नहीं आया? नहीं अभी नहीं आया, पिछली बार पिछले चलो ठीक है पिछले साल की पिछले साल की बात। तो यहाँ माशाल्लाह काफी फैमिली बैठी हुई थी। अच्छा हाँ हाँ माशाल्लाह मेरी ये क्या इसको क्या बोलते हैं हाँ मसीतो चुकी है भाईजान मैं। अच्छा मसीतो चुकी है? हाँ जी ये मसीतो चुकी बड़ी औखी चुकी है। अच्छा भाई हूँ एक इतने मोटी तार पाई बाबा जी माशाल्लाह बाबा फैमिलियाँ फूमिया इधर बैठी हुई थी बाबा जी ये मेरे साथ ये कह रहा था यार भाई मजा नहीं आया थोड़ी सी कुछ मस्ती हो जाए मस्ती हो ठीक है मस्ती मैंने कहा चलो ठीक है थोड़ी गाल नहीं करनी बस नहीं नहीं बाकी जो मर्जी कह लो गाल नहीं करनी गंदी लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करना इस्तेमाल नहीं करना यूज लैंग्वेज यूज। अच्छा ठीक हो जो भी है। अच्छा वैसे बड़ी प्यारी शक्ल आ रही है यार माशाल्लाह थैंक यू भाई थैंक यू नूर है जेड़ा नहीं नजर आ रहा। अच्छा चलो अगे आओ अगे भाई तो ये भाई कह रहा था यहाँ थोड़ा सा ना तार तो गाल लग गई भी चाहिए और होना चाहिए ए गाल होगी अगे आओ। अच्छा ये होगी थी। अच्छा तो मैंने तार यहाँ पड़ी हुई थी तो मैं उधर से ना मैं आपको बताता हूँ एक एक मतलब कि भाई यहाँ से कोई पकड़ के ना भेजे नहीं इधर मैं कैमरा मूवी बना रहा हूँ ये यहाँ तार पड़ी हुई थी। अच्छा ठीक है ये मैं ये नेड़ा है। अच्छा इजी हो गया इजी हो गया बिल्कुल इजी जैसे आ रहा था। अच्छा बड़े एक्शन के साथ आ रहा था ऐसे। अच्छा तार को फिर मैं पकड़ था ऐसे किया था। अच्छा ऐसे करते साथ तो माँ फैमिली भागी पानी दो ये लड़का मर गया मर गया मर गया मर गया मैं क्या मैं मर गया। फिर भाजी जब मैं उठा ना उठते सारे एंटी भजी आई भजी आई भजी आई ये उधर से टॉप के आए टॉप के टॉप के। अच्छा वो स्टापू स्टापू वो लड़कियाँ बहुत वो रस्सा रस्सा टपन। ते मौसी भाई आज भी कोई होए थोड़ा बहुत के नहीं ये मूड नहीं है नहीं आज थोड़ा से गाना छाना नहीं लग रहा यहाँ कहीं भाई यहीं यहीं लगे ना। अच्छा मैं आपको कुछ दिखाऊं और ये नवा ये देखे ये भाई भी आ गए हैं आपको आपका आपका टैलेंट देखने भी कितने लोग इकट्ठे हो गए हैं कितने लोग हैं थोड़ा दिखा देना फिर कोई सही मजा आना चाहिए डांस का भाई वे कि दूर आए ने वो लड़की कैसे कर दी नहीं यार गुस्सा गुस्सा क्यों कर गया क्या उधर आ जाए रोशनी में आ जाए रोशनी शर्म आती है ना थोड़ी सी मैं शर्मिला बहुत हूँ ना। अच्छा कहती है मैं शर्मा ही जाता हूँ। अभी ताड़ियां होन भाई ताड़ियां थोड़ा जा सीरियस हो थोड़ा जा और सीरियस हो थोड़ी सी एक्टिंग बस हूँ होर करना कुछ
यहाँ पे जो ये जो बाजू होता है ना उसको पकड़ने का मुकाबला, क्योंकि जो हम गांव में होते हैं ना, इसके ये भी एक खेल है कि जो एक बंदा बाजू पकड़ता है ज़ोर से और दूसरे बंदे ने बाजू छुड़वाना होता है उससे, तो उसका मुकाबला हो रहा था। तो हमारे जो एक साथी हैं ना, हमारे काफ़ी लोग जो गांव से आए हुए हैं ना, वो इस तरह बाजू पकड़ते हैं और जब बाजू पकड़ते हैं तो फिर छुड़ाना होता है। तो जब उन्होंने लड़के को देखा तो उन्होंने कहा कि जब हमने भी ऐसे ना बाजू पकड़ के तो इस तरह के खेल का मज़ारा करना है, तो अभी हम आपको लेके जा रहे हैं उस तरफ। लेकिन यहाँ पे ना उनको पसीना वगैरह बड़ा ज़्यादा पसीना आया, तो इसकी वजह से उनको मसला हो रहा है कि वो सही तरह खेल नहीं रहे, तो इस वजह से अभी आपको वो दिखाएंगे अनस भाई। और इनको यहाँ पे एक लड़के जो है ना पकड़ रहे थे, तो उनके साथ मुकाबला करवाने जा रहे हैं। टिशू ले गया यार, कोई डब्बा एक टिशू का डब्बा एक ले आओ। फ्रेंड्स अभी ये हुआ कि इतनी आउटिंग करने के बाद थक गए हैं और मैं तो यहाँ पे घास पे लेट गया हूँ, ये देखें क्योंकि गर्मी तो इतनी खास ज़्यादा नहीं लग रही, लेकिन ये है कि थकावट हो गई है और लेट गए हम थोड़ी देर भी। लेकिन जो घास है नीचे चुभ रहा है, क्योंकि ये अभी लगता है इसकी ताज़ा कटाई हुई है, और यहाँ पे गुजरांवाला का तो जो घास भी बहुत डेंजरस किस्म का घास है और बहुत ताकतवर है, क्योंकि बहुत हार्ड है ये वाला। तो अभी प्लान बन रहा है वापसी का, तो मे भी हम थोड़ी देर तक वापस चला जाएँ, और क्योंकि यहाँ से निकलते हुए भी हमें टाइम लगना है, रात काफ़ी है यहाँ पे, तो तकरीबन एक डेढ़ घंटे का मार्जिन रखे हम यहाँ से निकलेंगे, फिर वहाँ यहाँ से फिर वापस गाँव जाना है। तो बड़ा सफ़र है, बड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन ये कि आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है और आप लोगों के लिए आप लोग इंजॉय करें और देखें ये सारा जो इंडिपेंडेंस डे का जो स्टेशन वगैरह हो रहे हैं यहाँ पे। हाँ जी पलक भाई, थक तो नहीं गए? थक तो नहीं गए, लेकिन ये कि सवा नौ टाइम हो गया, लेकिन जाना भी आप लोगों को पता है जो है ना गांव में। जी जी, यहाँ पे जितना जो इन्वायरमेंट है यहाँ पे पता थकता नहीं है। अच्छा, यहाँ पे इतनी रौनक, ये देखे बच्चे सारे खेलते हैं, इस वजह से ये है कि अब जा रहा है, तो फिर इस वजह से मैं बोल रहा हूँ चलते हैं फिर। जी जी, लेकिन ये है कि आज़ादी का दिन कौन सा हाँ, लेकिन फिर भी हमें जाते हुए। जी जी, और बड़ा लोग इन्जॉय कर रहे हैं यहाँ पे, और तकरीबन हम यहाँ से निकलेंगे कुछ 11 बजे जी, ताकि जो पहुँचते पहुँचते हमें तकरीबन एक डेढ़ हो जाए। जी, गांव वाले ये ना हो गया हमें गाँव में कि कहाँ से आ गए ये जी, जी दो गाड़ियों पे बंदे। तो अब यहाँ पे तकरीबन सारा कुछ एंड होने वाला, लेकिन ये कि शहरों के लोग अभी आ रहे हैं। जी जी, क्या कि कोई हल्ला गुल्ला होता है तो फिर वो भी आप लोगों से। हल्ला गुल्ला तो इधर होता है,